नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर काफी बहस चल रही है। इसे लेकर लगातार कई लोग बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं सुशांत के फैंस भी काफी गुस्से में हैं और वो लगातार स्टार किड्स को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं। नेपोटिज्म के चलते कई ऐसे स्टार किड्स हैं जो कि लगातार ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है आलिया भट्ट का, जो कि लगातार लोगों के निशाने पर आ रही हैं। कुछ स्टार्स ने तो इस ट्रोलिंग से परेशान होकर सोशल मीडिया से दूरी बना ली और किसी पोस्ट के साथ अब नजर ही नहीं आते हैं। करण जौहर, आयुष शर्मा और सोनाक्षी सिन्हा जैसे लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं हाल ही में आलिया भट्ट ने एक पोस्ट किया जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि उन्होंने बिना नाम लिए नेपोटिज्म पर यह पोस्ट शेयर किया है। आलिया ने एक कोट शेयर किया है जिसमें लिखा है, खामोशी उससे कहीं अधिक बोलती है जितना आप सोचते हो। बता दें कि नेपोटिज्म के चलते लगातार ट्रोल हो रहे स्टार किड्स में सोनम कपूर और सोनाक्षी सिन्हा तो पहले ही ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दे चुकी हैं, लेकिन अभी तक आलिया ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब उन्होंने इस कोट को शेयर कर उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो कि उनके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। आलिया भट्ट ने बिना किसी का नाम लिए ही कह दिया कि खामोशी उससे कहीं ज्यादा बोलती है जितना आप सोचते हो। अगर आलिया के ट्रोलिंग की बात की जाए तो हाल ही में उन्होंने अपनी फिल्म सड़क 2 का पोस्टर शेयर किया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उनको जमकर खरी खोटी भी सुनाई थी। यही कारण था कि आलिया ने अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था। इसके अलावा हाल ही में डायरेक्टर आर बाल्की ने नेपोटिज्म पर बोलते हुए कहा था कि रणबीर और आलिया से बेहतर स्टार लेकर आओ, फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। अपने इस बयान पर आर बाल्की को तो लोगों ने ट्रोल किया ही, साथ ही आलिया भट्ट भी फिर से लोगों के निशाने पर आ गई। आलिया भट्ट उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने अपने करियर में एक के बाद एक कई धमाकेदार फिल्में दी हैं और उनको काफी पसंद भी किया जाता रहा है। वैसे आलिया के इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।